नेता फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल। महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा सरकार बन गई, वो भी बेहद चमत्कारी अंदाज में। उद्धव ठाकरे सीएम बनने का ख्वाब देख ही रहे थे कि अचानक इंटरवल हो गया और पूरी की पूरी कहानी हो गई चेंज। तो भैया बात है कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि भाजपा को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल तक को सुबह तड़के उठाना पड़ा। ये सवाल मैं नहीं, विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं और इसमें कुछ ना कुछ चाल डेफिनेटली है, लेकिन इस बात को कोई खुले दिल से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यूपी की तर्ज पर चचा भतीजे की जोड़ी ने महाराष्ट्र में भी पार्टी का नाश करने की सियासी चाल चलने लगी, लेकिन अजीत पवार का डर ही था कि भाजपा के पाले में जा गिरे। सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। फ्लोर टेस्ट में हालांकि अभी समय है और कैसे फ्लोर टेस्ट पास करेंगे इसका भी मैकेनिज्म उनके पास होगा, इसीलिए तटस्थ भाव से जुड़े हुए हैं। जैसी पार्टी के साथ बहुत दिनों तक कोई सरकार चल नहीं सकती है, ये एनसीपी के लोगों को भी मालूम था और इसलिए एनसीपी के नेताओं ने बड़ा बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर जारी कसमकश के दौर में यह सवाल उठ रहा है कि वास्तव में क्या बीजेपी का गेम प्लान सक्सेस हो जाएगा। बीजेपी का दावा है कि अब भी अजीत पवार एनसीपी के विधानमंडल दल के नेता है। बीजेपी ने जयंत पाटिल की नियुक्ति को अवैध बताया है। बीजेपी के साथ आए अजीत पवार के समर्थक विधायक एक एक करके लौट रहे हैं, लेकिन अजीत पवार अब भी अपने फैसले पर अड़े हैं। उन्हें मनाने गए नेताओं के भी हाथ खाली के खाली हैं। अजीत पवार को मनाने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। रविवार को दोपहर बाद अजीत पवार ने न सिर्फ एक के बाद एक ट्वीट करके बीजेपी के बड़े नेताओं का आभार बताया, बल्कि अपनी ट्विटर की प्रोफाइल में भी खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपडेट कर दिया है। ऐसे तो जो मैं उसी के खिलाफ हूँ जो कांग्रेस का और शिवसेना का गठबंधन नापाक है, ये गठबंधन अव्यवहारिक है, ये गठबंधन अवसरवादिता पर आधारित है और इसकी कोई न वैचारिक वैधता है और न चुनावी वैधता है, ये शुरू से ही इसमें गड़बड़ है। एनसीपी ने अजीत पवार को हटाकर जयंत पाटिल को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया है। अजीत पवार तो चुप हैं, लेकिन बीजेपी उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता आशीष सेलार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयंत पाटिल की नियुक्ति को अवैध बताया है। बीजेपी सूत्रों की माने तो उनका सारा दारोमदार अब अजीत पवार पर ही है, चूंकि वे एनसीपी विधानमंडल दल के नेता हैं और पार्टी ने किसी और को चीफ व्हिप नहीं बनाया है, तो अजीत पवार का आदेश ही लागू होगा। बहुमत के दिन अगर वे बीजेपी के पक्ष में मत देने का व्हिप जारी करते हैं और अगर मान भी लें कि उन्हें छोड़ सारे विधायक बीजेपी के विरोध में मत देते हैं, तो उस व्हिप को आधार बनाकर विधानसभा अध्यक्ष सभी की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भैया 288 में 53 विधायक कम हो जाएंगे और बहुमत साबित करने की जो संख्या 145 है वो रह जाएगी 118। बीजेपी ने अपने 105 और 15 निर्दलियों के साथ 120 की संख्या होने का पूरा दावा कर लिया है, लेकिन अभी यह बीजेपी का मैकेनिज्म है, यानी उनका गणित है, उनका समीकरण है। सोमवार को सुबह कोर्ट में क्या होता है और विधानसभा स्पीकर किसको चुना जाता है उस पर बहुत कुछ निर्भर है। तब तक कयासों का बाजार चलता रहेगा। आप भी दिमाग खपाते रहिए और हम तो खपा ही रहे हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, लोगों को बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।